ऐसे कहीं टमेटो लागे चूलो पर तो छोड़ बीनड़ी पतंग लूटवाने भागी रहे। नहीं नहीं डर जाएगी वो एक बार भोगा तो। नहीं मारते नहीं, मैं गप्पू को लाड कर रही हूँ ना, बार बार मेरे पास आ रहा है बस। हाँ और करू बेटू को बच। अरे यार गप्पू नाखून चुभ रहे। सो हाय एवरीवन, खम्मा खनीसन वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और आज है मकर संक्रांति, आज 14 जनवरी है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे तो ना जयपुर में तो इतनी धूमधाम से मनाई जाती है मकर संक्रांति, जो जयपुर से सबको पता ही होगा। आप लोगों के जो अदर स्टेट्स हैं और अदर जगह से हैं, आप लोग बताना आप लोग कैसे मनाते हैं, ठीक है। और आज हमारे क्या क्या बनेगा है ना, तो वो सब दिखाएंगे। और रवि तो आया हुआ है, रवि कल ही आ गया था, उसको पतंगों का बहुत शौक है। कल ये और संजूरा चांदपोल गए थे, जो जयपुर का पुराना बाजार है, वहां से वो मांझे और वो क्या क्या लाते हैं चरखी वर की खूब सारे लेके आए, लाइटिंग लैंप और पता नहीं क्या क्या लेके आए। और आज मैंने सोचा आज मैं नहा के नीचे जाऊंगी, डेली ना मुझे 3-4 बज जाते हैं नहाते नहाते। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने सूट पहना है 4 मीटर। ये सूट पता नहीं जब भी मैं पहनती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पूरा 4 मीटर का है। तो बस मैं रेडी हो गई और अब नीचे चलते हैं और सबसे पहले भगवान जी की धोख खाएंगे, फिर मम्मी की धोख खाऊंगी, ठीक है चलते हैं। पिटी कर दो पापा की, पिटी कर दो, पिटी कर दो। बहुत से लोग ना वीडियोस में कमेंट में कह रहे कि रिद्धि ना कमजोर सी हो गई है। हमारे एक सब्सक्राइबर है तो उन्होंने बोला था कि रिद्धि बहुत कमजोर सी लग रही है, मुझे ही लग रही है या ऐसे आपको ऐसा कुछ नहीं है, रिद्धि सीरियसली हो गई है, रियल में कमजोर हो गई। क्योंकि इसको 3-4 दिन से ना, पहले तो 2 दिन फीवर था और अब ना 3 दिन से इसको खाती है तो वॉमिटिंग हो जाती है, थोड़ा सा ऐसी तबीयत चल रही है बच्चों की। हाँ तो इस वजह से ना थोड़ा मुंह इसका थोड़ा सा उतर गया है, हो जाएंगे, ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, बच्चे है चलता रहता है। कोई बात कौन भगवान, खूब तंदुरुस्त रहो, खूब रोजगार रहो, खूब कमाई दो, आपने खूब कमाई दो भाई। तो होगी ना, है ना, ये तो मेरी गोलू है, देखो मेरा बेटा, ये मेरा चांद है ना, ये मेरा चंद्रमा, ये मेरी चांदनी। ओ पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ अच्छा अच्छा, जाओ जाओ पापा आ गए, जाओ हम लाए हैं फूल, में पार्टी कर लाएंगे फूल। तुम्हारे पास है तो सही बूफर, ये इट्स अफोर्डेबल, ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल बूफर है ये। अच्छा ये चलेगा, बूफर चलेगा, रिद्धू नाचेगा। ए उसको तो देखो, मेरी छत देखो, वहाँ बैठी तुम्हारे इंतजार में। चीनी है? मेरी चीनी के लिए लाया हूँ पापा, मेरी चीनी के लिए लाया हूँ मैं, मेरी चीनी चलाएगी। नहीं नहीं, पतंगबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। हाँ अब ये तैयार हो गए पतंगबाजी के लिए। और आज हमारे लंच में बर्गर बनेगा, शाम को तुम्हारे दाल बाटी चूरमा बनता है,
सकरात पे तुम बनेगा। मम्मी मैंने 500 रुपए दिए आज सकरात का। धोख तो दो मम्मी की। मेरी मम्मी को कुछ नहीं, मैं तो दे देती हूं। लोग ऐसे पैसे देते रहे ना मम्मी मेरे को आप, ठीक है। तो आज हमारे लंच में डिसाइड हुआ है बर्गर और पास्ता। पास्ता बर्गर बना लेना, पास्ता की जरूरत नहीं। पास्ता मैंने उबाल दिया पर ये पास्ता बहुत अच्छा बनाते हैं। तो पास्ता बनाएंगे और बर्गर के लिए ना बन लेने जा रहे हैं और म्यूनिस, ठीक है। जाओ लेके आओ। हवा में जा रहे हो। ओ माय गॉड, मैंने अपने पास्ता बॉईल कर लिए हैं, वो लोग तब तक बन लेने गए। आ गए ले, आ गए। वो तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट ले गए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं आप कुछ लाओगे मेरे लिए। जी हां, बंद कर आंख। ओके, तू आगे बंद रखना, कैमरा स्टार्ट रखना, बस बंद कर ले आंखें। आंखें बंद कर। चॉकलेट कलू कल देखा, मैं इसकी आवाज से भी चांगी थी, खुशबू आ जाती है मुझे। थैंक यू। हमने हमेशा कहा कि मारते हैं चॉकलेट को जाओ थे। हाँ, पहले हमेशा लाते थे, बिल्कुल नहीं लाते। अब लाती हूँ ना आज, और अगला एक साल तक मुंह मत खोल जाए। नहीं, थैंक यू। एक संक्रांति की कहावत है, जयपुर का मान है, इको पर बिल्कुल फिट बैठे वहाँ। ऐसो का टमेटो लागे चूलो पर तो छोड़ बीनड़ी पतंग लूट बाने भागी रहे। मम्मी हंस रही है। देख मेरी बेटी, देख चश्मा लगा रही है। ये बन ले आए ये रहे, और ये वाली म्यूनिस वैसे हमारे पास है बट कम बची है तो मैंने और मंगा ली, ठीक है। और ये छत पे ले जाने के लिए रेवड़ी, रेवड़ी और मूंगफली कल रवि लेके आया ना सकरात पे, तो ये ऊपर लेके चलेंगे। तो ये जो हमारे मेड आती है ना रज्जो, तो अभी काकी सा के आई हुई है काम करने, हमारे तो सुबह ही कर जाती है, तो उसके लिए निकाली है ये कंबल, और इसमें मम्मी ने मूंगफली और गज्जक मंगाई थी उसके लिए, और पैसे हैं उसको भी देंगे अभी, वो आएगी जब। ला हमारी रज्जो कंबल ओढ़ लीजिए। रुद्र थैंक यू कर रही है, तू भी कर दे थैंक यू। ये बड़ा राजी होता है जब ये आती है। तो मेरा पास्ता बनकर रेडी है, बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला चीज थोड़ा सा। तो यहाँ मेरे बर्गर भी बनके रेडी है, एक अंदर मैंने मम्मी का गरम कर दिया, मम्मी खाएंगे। ये चीज स्लाइस अब लगाऊंगी मैं लास्ट में बर्गर में, और ये मेरा पास्ता भी बनकर रेडी है, और अब मैं ऊपर लेके जाऊंगी, वो लोग पतंग उड़ा रहे हैं। रवि वही काटे हैं, गजब पतंग उड़ रही है, बहुत ही शानदार मजा आ रहा है, बहुत मौसम हसीन है, मजा सा आ गया है। सबसे लंबी हमारी पतंग है, उसके बाद दुनिया की है। वही काटे, पहला पेज काट दिया भाई साहब, पहला पेज काट दिया है, अब दूसरा काटने की तैयारी है। इसकी ले जाएंगे भथर देनी थी, थोड़ी सी पतंग एक नंबर है। हमारे बेटे ने बर्गर बना दिए, बर्गर बन के रेडी है, पास्ता भी गरम कर रही हूँ, फिर छत पे लेके जाओ, आप लोग आराम से खा लो, ठीक है। वाओ, मजा सा आ गया। अच्छा बने, मस्त बने रहे, दिख तो अच्छे रहे, खाने में पता लगेगा। ओह माय गॉड, भाई साहब काई पास्ता बढ़िया है। ओहो हो हो, एक मान लटा है, चीज है ये लटा ही हिमा कत्ती लटाई लटा रही। ओहो हो, काई जबरदार बढ़िया खुशबू। हमारे कन्नू ऐसे बहुत पसंद है ऐसा, तो मैं मम्मी को दे रही हूँ मम्मी का बर्गर। ये तो दो बार ठंड गरम किया मैंने, उस बैठ ही गया बेचारा। लो मम्मी आप खा लो ये रहा। कैसा बना भाई? अच्छा बना, बाजार वाला सही है, ये सही है बाजार भी वो सही है, बाजार का है। चलो अब खाओ। मैं लगी थी 1 बजे और अब 3 बज गए, और अब मैं भी ऊपर जा रही हूँ, संजू मेरा बर्गर तो लेके चले गए और पास्ता मैं लेके चल जाती हूँ, मम्मी का गर्म कर दिया, मम्मी बर्गर करके बर्गर खा के खा लेंगे, दोनों बच्चों को भी ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है। चलो तो भाई, फुल संक्रांति के आनंद हो रहे हैं हमारे, मस्त खाना आ गया ये पास्ता, और हमारे दो हमारी भेड़ बकरियां आ गई हैं, दोनों सेम कलर में। मेरा रवि आ जाओ यार, ठंडा हो जाएगी, फटाफट खा लो। आओ भाई आओ, जीमन जीमनार चालू करो, जीमनार शुरू करो। मैकडीगा महाराजा बर्गर फैल है इसके सामने, है? महाराजा बर्गर फैल है इसके सामने। कैसा बना है? बहुत गजब। अच्छा नहीं है? ओए बहुत शानदार, बता तो दिखा ही जा रहा है, इतना अच्छा है कि ओए होए देख, मैं खाना चाहता हूँ। हमारा रुद्र ऊपर देख रहे पतंगों को, अरे इनकी छोटी पतंग तो लाए नहीं जो कन्हैया लेके आए थे। लुदली ले
आज दोनों को मैंने सेम ड्रेस पहनाई है। खाना खा के आए दोनों। ये आपने उंगली में क्या बांध रखा है? ये मैंने, ये निशानी है मेरे, तीन जगह से उंगली कट गई। वेरी गुड। इसी का, इसी से तो पता लगता है कि हमने पतंग उड़ाई है। अच्छा। अरे वो हाथ लगा दे। रिद्धु पहली संक्रांति है भाई दोनों बच्चों की। पहली तो नहीं है, दूसरी है ये। पर पहली में बहुत छोटे थे। पहली में तो छोटे थे। तुम्हारे कन्नू ऐसे लेके आए थे छोटी छोटी पतंग मेरी बेटी के लिए। रिद्धु देखो, ये ऐसे ऐसे करने का। अच्छा। वैसे भी तो काट नहीं पाएगी इसलिए कटवा देने का। चरखा मेरे पतंगबाज और वो है हमारी ब्लू वाली पतंग। और ये लोग अपनी इनकी पतंगों से पेट ही नहीं भर रहा। जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक हम उड़ाएंगे। तब हम नहीं जाती, तब तक हम नहीं जाती। तब तक हम कटाएंगे, कटवाएंगे। सब लोग छत पे चिल्ला रहे, वो काटे वो काटे। तो रिद्धि का तो मैंने भेज दिया था, बताया मम्मी के साथ ही। और रुद्र को अब मैं लेके जा रही हूँ कि हल्की हल्की ठंड, क्योंकि 4:30 हो गए, 4:30 से ज्यादा हो गए, 5 बजने वाले हैं। और आज की हवा चल रही है तो अब नीचे ले जाती है। इससे क्या गाल वाल फट जाते हैं मेरे बच्चों के, हल्के हल्के तो पहले ही फटे हुए थे, कितनी क्रीम लगा दो पर अब बच्चे मानते तो है नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मम्मी का फोन आया। मम्मी बोली छोरे को नीचे लेके आ जाओ, छोरा मतलब रुद्र। रिद्धि थोड़े बोले बीमार हो जाएगा, तो मैं रुद्र को लेकर नीचे जा रही हूँ। और शाम को फिर वो जो लैंप नहीं होते लाइटिंग वाले, जो भी बोलते हैं उनको, पतंग कट के आ गई यार, दिवसा कहाँ ध्यान था यार। तो वो हम फिर शाम को, मैं तब आऊंगी। अब मैं रुद्र को लेकर नीचे जा रही हूँ, वो सोएगा और भूखा भी हो गया, दूध पिलाऊंगी इसको। रुद्र चल, रवि बैठ गया, रवि की पतंगें कटे जा रही है। रवि कह रहा है जियो सा यार आप काटो। ये दूसरों की काटे जा रहे हैं, वो खुद की कटवाए जा रहा है। भाई हम जब तक कटवाएंगे नहीं तो सामने वाला, अब सारी काटे ही काटे जाएंगे तो सामने वाले को खुशी कैसे मिलेगी। आप लोग कैरी ऑन करो, मैं रुद्र जा रहे हैं। रुद्र आ जा। रवि यार ऐसे डिसअपॉइंट मत हो, इस बार काटेंगे अपन। हां फुल। अरे यार उसके पैर में तबीयत चुकी है शाम। और मैं ना, अरे रिद्धि, तो मैं ना बच्चों को लेके सो गई थी। बच्चे क्या 6:30 बजे सोए थे, ठीक है। हाँ बेटू, और अब 7:30 बजे उठे। तीनू ता ये कौन है? अरे ये कौन है? हाँ ये तो मेरा मंकी है। अरे बापरे, अरे बापरे, हो गया। अरे यार सारे बंधन तोड़ के आ रहा है। बच भाई, आज इन दोनों को आपने देखा ही होगा, सेम मैंने ड्रेस पहना रखी है। ये मैंने ना मम्मी पापा ने दी थी अभी पेच में ना जामने में, तो मैंने पहनाई नहीं थी। हाँ भाई साहब, हम सबसे लेट जला रहे हैं। हाँ, उनके बच्चों को मैं खाना खिलाने लगी थी। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, इसमें हवा हवा आने दो, बाहर जाओ। दीदी ऊपर से पकड़ना, छोड़ो 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 छोड़ो। गया तेजी से, वाओ तेजी से गया भाई, फुल तेजी से। हाँ, बस जलने वाला जल, वो जल गया था वो थोड़ा बहुत। हाँ, और फिर भी चला गया वो। इट्स वन, अभी तो बहुत बाकी है। वो गया, वो टेढ़ा मेढ़ा टू है, इसको हम जलने नहीं देंगे। खैर वो भी मेरा बहुत ऊंचा था, गया पता है। और हमने सोचा था सब लोगों ने जला चुके, हम भी लेट हैं, अभी लोग जला रहे हैं।
छेद हो गया था उसमें यार। उसमें छेद हो रहा था गाइस। तो अब रवि एक जलाएगा, हमारे हमने तीन जला चुके हैं जिसमें से दो हमारे फेल हो गए, दो फ्लॉप हो गए हमारे। तो अब हो गया खाने का टाइम, डिनर का टाइम। और आज मतलब आज के दिन हमेशा मैंने आप लोग को काफी टाइम से जो मैं रेगुलर देख रहे हर साल, तो हमारे संक्रांति के दिन बनती है रात मतलब शाम के टाइम दाल बाटी चूरमा। तो दाल बाटी चूरमा बने, ये रही दाल, बना तो पहले लिया था बट अभी मैं गर्म कर रही हूँ खा रहे। और ये रहा चूरमा, ठीक है। और ये रही हमारी बाटियां, ये वाली बाटियां मम्मी ने क्या घी में डाल के रख दी है, और इसमें बाकी बाटियां भी बन रही है, मतलब मम्मी ने भी गैस बंद कर दी तो इसमें बाकी बाटियां बनेंगी, ठीक है। अब मैं लोग खाना डाल रही हूँ ताकि खा सके। आज ये पहली बार चॉकलेट खा रहे हैं, और इतने चटुड़ी है मेरी औलाद मेरी तरह, दोनों खाए जा रहे हैं मम्मी चॉकलेट, वो उधर से मुंह कर रही है।